नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख है 16 मई 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं उसमें पहला एडिटोरियल हमारा रहने वाला है सोशल मीडिया को चलाने वाले जो आजकल इन्फ्लुएंसर लोग हैं, सोशल मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया, दो चीजों को यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करी जाती है। ट्रेडिशनल मीडिया के अंतर्गत नॉर्मली आप आज तक ZTV, दुनिया भर की ये जो न्यूज चैनल है उसको देखते हैं। इन ट्रेडिशनल मीडिया चैनलों में क्या चीज दिखाया जाता है, ये एकदम चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। सरकार क्या चाहती है उस हिसाब से ये लोग न्यूज़ दिखाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अपना TRP कमाने के चक्कर में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपांसन करने के चक्कर में रहते हैं, सरकार के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहते। और वहीं यदि आप इंडिविजुअल देखें, रवीश कुमार को देख लो, चाहे वो ध्रुव राठी को देख लीजिए, ये लोग क्या काम करते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको पार्टिकुलरली ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा पिक्चर प्रस्तुत किया जाता है। यस एंड नो, नेताओं की जो कमजोरियां हैं, नेताओं की जो बुराइयां हैं उसको जनता के सामने रखते हैं। मतलब एक ही प्रकार का व्यू ये लोग प्रस्तुत नहीं करते हैं। लेकिन यही जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया रहता है वो केवल और केवल क्या दिखाता है, गवर्नमेंट क्या चाहती, गवर्नमेंट हमसे क्या बुलवाना चाहती है, गवर्नमेंट की बुराई ये लोग कभी नहीं बताते, ना ही गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में ये बुराई बताते, और ना ही अपोजिशन पार्टी के यहाँ तक कि स्पीचेस को सामने रखते हैं। ये चीज आप भी देखते हैं, बस बीजेपी 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 हर जगह, कोई भी टीवी चैनल उठा करके देख लो, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं टीवी चैनल वाले। और ये चीजें आज के समय में यूथ लोग समझ रहे हैं, इसीलिए पहले भले ही वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था, लेकिन आज के समय में वो लोग बीजेपी से दूरी बना रहे हैं और किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के जो लीडर हैं उनकी तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। डेली न जाने कितने सारे लोग जुड़ते हैं, कितने सारे व्यूज आते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के, तो इसी के ऊपर चर्चा होने वाली है। तो पहला मीडिया हमारा सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स के ऊपर रहेगा। इसके अलावा सेकेंड वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्शन के दिन हॉलीडे होना चाहिए, लेकिन हॉलीडे ऐसा नहीं होगा, पेड वाला हॉलीडे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देश दुनिया में इसका क्या स्टेटस रहा है। और यदि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहीं किसी संस्था में काम कर रहा हूँ और एग्जाम्पल के तौर पर कल मुझे वोट देने के लिए जाना है, अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, छुट्टी लेना पड़ेगा, तो सरकार क्या ये कर सकती है कि कल के दिन छुट्टी घोषित कर दे, और छुट्टी भी ऐसे कि भाई मुझे पैसा भी मिलेगा और छुट्टी भी रहेगी, तो ये किस हद तक सही है। यदि ऐसा कर दिया जाता है, पेड हॉलीडे घोषित कर दिया जाता है इलेक्शन डे को, तो इससे क्या फायदा होगा, क्या लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक चीज ये आ जाती। दूसरी नंबर की चीज ये है, वर्ल्ड में और कहाँ कहाँ पर इस प्रकार का पैड हॉलीडे हमको देखने को मिलता है, और भी देश दुनिया में इलेक्शन डे को किस रूप में देखा जाता है, इलेक्शन को किस रूप में देखा जाता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल मीडिया सिस्टम वर्सेस सोशल मीडिया सिस्टम। पार्टिकुलरली यहाँ पर ट्रेडिस मीडिया सिस्टम में हम देखने वाले हैं ट्रेडिशनल तौर पर जो टीवी चैनल चलते हैं, इसके अलावा जो न्यूज़ चैनल चलते हैं वो किस प्रकार की न्यूज़ दिखाते हैं, एंड आज के समय में यूट्यूब पर लोग जाकर के अपने आप में फ्री पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है, फ्री अपने आप में एंकर बन रहे हैं, न्यूज़ एंकर बन रहे हैं उनमें, और इस प्रकार के टीवी न्यूज़ चैनल में कितना अंतर है, कितना फर्क है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। ये जो ट्रेडिशनल मीडिया का शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है कि ये और भी ज़्यादा प्रोवोकेटिव होते जा रहे हैं, प्रोवोकेटिव हो रहे हैं, बायस्ड कंटेंट ला रहे हैं, ताकि ये लोग
सरवाइव हो सके, क्योंकि डायरेक्ट ये सरकार के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरे नंबर की बात ये है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या सर्च करना चाहते हैं उन चीज़ों को ये टीवी चैनल दिखाते हैं। साथ ही साथ में सरकार इनके बिजनेस को ठप्प कर देगी, हो सकता है ईडी का छापा पड़ जाए, सीबीआई का छापा पड़ जाए। इसलिए यदि काला काम करना है और अपने आप को सरवाइव रखना है तो ये लोग क्या काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजक और पक्षपातपूर्ण सामग्री परोस रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो डेथ है, आने वाले समय में पक्की है। मतलब ये चीज़ बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल मीडिया का शिफ्ट है, और भी ज़्यादा ये लोग प्रोवोकेटिव चीज़ें करते हैं, बायस कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये लोग सर्वाइव कर सकें, लेकिन इससे ये ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। हाल फिलहाल में देखा जाए, आप दो लोगों के बारे में तो ज़्यादा जानते ही होंगे, एक तो ध्रुव राठी हैं और दूसरे हैं रवीश कुमार। अब यदि कांग्रेस जीतती है तो लोग कहेंगे कि रवीश कुमार ने का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी की जो कमियां हैं, बीजेपी की लीडर्स की जो कमियां हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी ये लोग आलोचना करते हैं। ऐसी आलोचना आपको कभी भी न्यूज़ चैनल पर देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर कांग्रेस ये चुनाव जीती ना तो ये ध्रुव राठी के कारण हो सकता है। ध्रुव राठी कौन है? यूपी के एक युवा मुस्लिम व्यक्ति हैं, सॉरी, यूपी का एक जो युवा मुस्लिम व्यक्ति है वो ये बोल रहा है कि कांग्रेस जीतेगी तो ध्रुव राठी के चलते चलते जीतेगी, क्योंकि ध्रुव राठी के भी यूट्यूब में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे व्यू आते हैं इनके वीडियो को, और ये भी जो है सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की कहना चाहिए जो योजनाएं चल रही हैं उनकी आलोचना करते हैं। यदि कहीं पर वॉयलेशन हो रहा है उस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि यदि कांग्रेस जीती तो ध्रुव राठी की वजह से जीतेगी। ठीक इसी प्रकार से आज के समय में यदि बीजेपी जीत रही है तो जो ट्रेडिशनल मीडिया सिस्टम है ना, उसके कारण से जीत रही है। आज के समय में जो भी चैनल खोल करके आप देखेंगे, बस मोदी ही मोदी दिखाई देगा, विपक्ष बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। वही चीज़ें ये लोग दिखाते हैं जो कि सरकार चाहती है, कुछ भी आप खोल लीजिए। इसलिए तो आज के समय में जो लोग बेरोजगार हैं, पहले मोदी उनको पसंद था, बीजेपी पसंद था, लेकिन आज के समय में ये लोग इससे दूरी बनाते जा रहे हैं। तो वहीं यदि देखा जाए ना, तो ये जो ट्रेडिशनल मीडिया सिस्टम है एंड जो आज का जो सोशल मीडिया सिस्टम है, दोनों किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, दोनों का आखिर योगदान क्या है। आज के समय में यदि चुनाव होगा तो आप ये कह सकते हैं ये भारत का पहला सोशल मीडिया चुनाव है। रावत जो कम्युनिटी है, जो कि कहाँ रहती है, मोहनलालगंज में रहती है, ये लोग रेगुलरली लिसन करते हैं रवीश कुमार को यूट्यूब चैनल पर। इस प्रकार से देखा जाए ये अपने आप में फर्स्ट एवर सोशल मीडिया इलेक्शन कहलाएगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया है इसके पास में कुछ कुछ व्यू पॉइंट है जो कि स्टेट कंट्रोल वाले न्यूज़ चैनल हैं जो चीज़ नहीं दिखाते हैं, उस प्रकार के व्यू पॉइंट ये लोग प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ में ये लोग क्रिएट करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस गवर्नमेंट नैरेटिव के साथ में, कि भाई यदि गवर्नमेंट का नैरेटिव इस प्रकार का है तो इसके विपक्ष में भी कुछ इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस विथ गवर्नमेंट मीडिया, ये बात हम ऊपर भी किए हैं और ये बात हम नीचे भी देख रहे हैं। जबकि आज के समय में देखा जाए, रिसेंटली सोशल मीडिया एक प्रकार से टूल बन गया है, ठीक है, टूल की तरह डिप्लॉय किया जा रहा है बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन हम अर्ली पार्ट ऑफ द डिकेड की बात करें तो एक जो राइट विंग इकोसिस्टम है वो इमर्ज होके आया था सोशल मीडिया में, ताकि जनरेट किया जा सके कोग्नेटिव डिसोनेंस विथ द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल मीडिया सिस्टम। पिछले 10 साल में ऐसा है, जो ट्रेडिशनल मीडिया सिस्टम है उसको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया उभर करके सामने आ रहा है। कुणाल पुरोहित की जो बुक है एज पॉप एंड द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार, इन्होंने एक किताब लिखा था, इसमें बोला जाता है, ठीक है, ये लोग नफरत पैदा करते हैं,
हर दिन अल्पसंख्यक समूहों और प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ये लोग गुस्सा बढ़ाते हैं। मतलब ये है, इनको भाषण देने की जरूरत नहीं है, इनको रैली में जाने की जरूरत नहीं है, ये खाली टीवी चैनल में ही बैठे बैठे ही अपना काम कर जाते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन चीजें बदल रही हैं। इस प्रकार से देखा जाए, इन द वर्ड्स ऑफ ए बीजेपी सपोर्टर वी स्पोक टू, द मीडिया ओनली स्पीक फॉर वन साइड। आप ये कह सकते हैं कि जो मीडिया है वो केवल एक पक्ष के लिए बोलता है, वो है भाजपा। मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से भारत में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, विविधता वाली आबादी, साथ ही साथ जैसे जैसे लोगों ने वैकल्पिक दृष्टिकोण की खोज करी है, मतलब आलोचनात्मक जो न्यूज़ चैनल हैं यूट्यूब वाले, उनके लिए एक अवसर पैदा हो गया है। दूसरी नंबर की बात यह है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती हैं। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मीडिया है ना, अपने आप को एक प्रकार से सरकार के पक्ष में कर ले रही है, सरकार के पक्ष में ही ये बात कर रही है। क्या ये लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या ये ख़त्म हो जाएगा ट्रेडिशनल मीडिया? देखिए, विडंबना वाली बात ये है, पैराडॉक्सली वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है विडंबना। ये लोग ट्रेडिशनल जो मीडिया सिस्टम है, ये अपने आप को शिफ्ट करते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा उत्तेजक भाषण देते हैं, और भी ज़्यादा बायस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये लोग सरवाइव कर सकें। इन्हीं सारी चीज़ों ने इनकी डेथ को इंश्योर कर दिया है। वहीं यदि हम बात करें जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर लोग हैं, इनके व्यू कैसे रहते हैं, ये कौन कौन से विचार रखते हैं, ठीक है, ये लोग एल्गोरिदम की मदद से तुरंत में पकड़ आने वाली चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि आप कोई एक चीज़ देखते जा रहे हैं, तो वैसे ही वैसे ही वैसे ही उसी उसी प्रकार की चीज़ें यूट्यूब और फेसबुक हमको दिखाने लग जाता है। इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिदम वाला फीचर, जो कि यूट्यूब एंड फेसबुक में हमको देखने को मिलता है। ये इसका मतलब ये है, इस प्रकार के जो कंटेंट है ना, वो ग्रो करते हैं बहुत तेज़ी के साथ में, और ये लोग पॉपुलर भी होते जा रहे हैं, एंड बूस्टेड टू द होल यूज़र बेस, और पूरे के पूरे जो यूज़र बेस है, उसके लिए इस प्रकार का माहौल तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अभी हाल फिलहाल में 25 मिलियन व्यूज़ गए हैं, क्या भारत तानाशाही बनते जा रहा है, ठीक है, इज़ इंडिया बिकमिंग ए डिक्टेटरशिप। अब एक बार यदि आप इस प्रकार के वीडियो देख लेते हैं, तो एल्गोरिदम के माध्यम से यूट्यूब इसी इसी प्रकार की चीज़ों को दिखाते जाता है। इसका मतलब ये है, इस प्रकार के और भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग भी अब कहना चाहिए थोड़े से और भी ज़्यादा चर्चित होना चालू हो जाते हैं। सोशल मीडिया कुछ और चीज़ें भी ऑफर करता है, जैसे कि एक स्पेस प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल इंगेजमेंट ऑफ एन इंक्रीजिंगली रेटिसेंट वोटर। अभी तक जो वोटर शांत था, उसको बोल रहा है कि आप पॉलिटिक्स के साथ में इंगेज होइए, आप अपनी आवाज़ को ऊपर उठाइए। अभी तक क्या है, फियर के चलते चलते ये लोग, डर के चलते चलते अपनी आवाज़ को नहीं उठाते थे। आगे यदि हम बात करें, आज के समय में सबसे ज़्यादा यूथ लोग यूट्यूब का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें एडॉप्ट करी जा रही हैं, वो एजुकेटेड यूथ पॉपुलेशन के द्वारा करी जा रही हैं, एंड ये कोर सपोर्टर बेस माना जाता है बीजेपी का, मोदी का। फिर भी यदि हम 10 साल के बाद उठा करके देखें, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, लोग अब बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं। आगे कुर्मी पॉपुलेशन को लेकर के भी कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, कि यहाँ पर जो कुर्मी समाज है, मतलब मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्से की बात करें, यूपी की बात करें, तो ये कम्युनिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, मतलब वोट बैंक के हिसाब से। एक बार पूरी तरह से भाजपा के पीछे हो जाने के बाद, बाराबांकी में उनके बीच में विभाजन हो गया है, मतलब ये लोग भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में जो शिक्षित युवा हैं, ये लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हमको दिख रहे हैं। नौकरी की कमी है,
और सोशल मीडिया से प्राप्त ये जो लेक्चर हैं, सोशल मीडिया के वीडियो ये लोग देखते हैं और अब ये भाजपा से दूरी बनाते जा रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि 2019 में भाजपा ने 12 बाकी संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल करी थी, लेकिन 2022 के स्टेट चुनाव में, असेंबली चुनाव में वो संसदीय क्षेत्र में शामिल 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 को हार गई थी। हालांकि देखा जाए यदि बुनियादी लेवल पर ये एक प्रकार से पॉजिटिव डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन हमको बात करना पड़ेगा आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए, दीर्घकालिक जो निहितार्थ हैं इस पर बातचीत करने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम फिर से बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस सोशल मीडिया, पहले नंबर की बात यह है, पॉलिटिकल नैरेटिव आर नाउ बीइंग सेव्ड आउटसाइड द फॉर्मल पार्टी सिस्टम। फॉर्मल पार्टी सिस्टम से अलग आज के समय में पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार होने लगा है। ट्रेडिशनली पार्टी की जो वर्कर हैं पॉलिटिकल इंटरमीडियरी हैं, प्रेजेंटेड वोटर्स विथ पॉलिटिकल नैरेटिव। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी की जो इंटरमीडियरी हैं, सपोर्टर हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करते हैं वोटर्स लोगों में, उनको कनेक्ट करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ में, ठीक है, ताकि वो लोग भी हमारी जैसी सोच वाले बन जाएं। जनरेटिंग पॉलिसी डिमांड फ्रॉम द बॉटम अप, एंड ये लोग क्या काम करते हैं कि नीचे से ऊपर तक नीतिगत डिमांड पैदा करते हैं। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया, ठीक है, ये पार्टी वर्कर्स तैयार कर रहा है, इंटरमीडियरी लेस रिलेवेंट। और आज के समय में जो इंटरमीडियरी हैं वो लेस रिलेवेंट हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर हैं अब वो कोई काम के नहीं रह गए हैं। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, जो है इलेक्शन डे के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इलेक्शन डे एंड हॉलीडे, दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी भारत में आम चुनाव चल रहे हैं। आने वाले समय में जून में आप देखेंगे, हो सकता है कि हमें पता चल जाए कौन जीतने वाला है, कौन नई सरकार लेकर के आने वाला है। बहुत सारे देशों में क्या क्या सिस्टम चल रहा है, मतलब इलेक्शन डे को हॉलीडे के रूप में कौन कौन से देश मान्यता देते हैं, क्या भारत को भी ये घोषित कर देना चाहिए कि इलेक्शन के दिन आपको छुट्टी मिलेगी, इसका मतलब ये है आपकी हाजिरी नहीं काटे जाएगी, और दूसरी बात यह है आपको ड्यूटी भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पेड हॉलीडे जिसको बोला जाता है। यदि भारत ऐसा करता है तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ होंगी, और इसके अलावा देश दुनिया में किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें इस प्रकार की होने वाली हैं। इलेक्शन डे को हम पैड हॉलीडे के रूप में यदि देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो है इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इस मुद्दे को ऐसे मुद्दे के रूप में आपको देखना होगा जो लोकतंत्र के सार को उजागर करता है। इसमें 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई अलग अलग कंट्रीज में कैसा सिस्टम चल रहा है। यदि हम बात करें भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में, वोट देने का अधिकार न केवल एक विशेष अधिकार है बल्कि संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य की भी है। मौलिक कर्तव्य है कि भाई लोगों को जाना है, वोट देना है और सरकार चुनना है। बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया भर में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जहां पर वोटिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है, एकदम अनिवार्य बना दिया गया है, आपको वोट डालना ही है। साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, फ्रांस, ये लोग एक दिन की छुट्टी देते हैं इलेक्शन डे के मौके पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जा सके। वोट की दिन की छुट्टी, वोट हमने डाले हैं उस दिन हमें छुट्टी मिलना चाहिए, इसकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से चले आ रही है। तो जो ऑब्लिगेशन है इसका सीधे सीधे एम्प्लॉयर्स के ऊपर चले जाता है। पार्टिकुलरली कुछ कुछ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं,
ये लोगों के ही ऊपर है कि ये लोग डिक्लेयर करेंगे हॉलीडे इलेक्शन डे के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है इसकी नेसेसिटी का एंड इसकी पोटेंशियल का कि ये भाई इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रभावित ना कर दे। अब ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी छुट्टी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। सरकारी संस्था, ये रेलवे के ऊपर है, ये बैंकिंग के ऊपर है कि वो अपने अपने वर्करों को छुट्टी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती, ये उनकी पर्सनल लिबर्टी है। अदर कंट्रीज़ की यदि हम बात कर लें कि अदर कंट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम एक काम करते हैं, संडे के दिन चुनाव रख देते हैं, नेशनल इलेक्शन वीकेंड के टाइम में रखे जाते हैं। इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, बहुत सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओपेक की, सॉरी ओईसीडी की जो कंट्रीज़ हैं वो क्या बोलती हैं, हम वीकेंड के टाइम में इलेक्शन रखेंगे। ज़्यादातर एडवांस डेमोक्रेसीज़ की हम बात कर रहे हैं, इससे उनको अगले दिन रेस्ट भी मिल जाता है। अदर डेमोक्रेटिक नेशंस भी हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, ये लोगों ने मैंडेट नहीं किए हैं इलेक्शन डे को एज ए पेड हॉलीडे के तौर पर। इसका मतलब ये है वहाँ की कंपनी के ऊपर है कि वो पेड हॉलीडे देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। लेकिन यूएस में भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि इलेक्शन डे को एज ए पेड हॉलीडे के तौर पर करते हैं एंड कुछ लोग जो है इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं करते हैं। फ़ायदा क्या हो सकता है? अब एक स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये है इंक्रीजिंग वोटर टर्नआउट। क्या वोटर का टर्नआउट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है तो छुट्टी देने से कोई मतलब नहीं है। इसमें बोला जाता है कि हमारे पास में कुछ ऐसे सबूत नहीं हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राज्य कर्मचारियों के लिए चुनावी अवकाश प्रदान करने से मतदान के परसेंटेज में वृद्धि होती है। मतलब चुनाव के दिन में छुट्टी रखना अपने आप में मतदाता का परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोई एक प्रभावी स्ट्रेटजी नहीं है। अब यहाँ पर बैलेंस स्थापित करने की बात करी जाती है, जैसे कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड नंबर की है पर्सनल ऑफ फ्रीडम। एक तरफ तो संविधान कहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट होना चाहिए, दूसरे नंबर की बात यह है। अब ये उस कंपनी के ऊपर आ जाती है, उसकी जेब में कितना पैसा है, वो देख आपको छुट्टी का पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता है, उसका कामकाज प्रभावित ना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सोचेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर खड़े होते हैं कि भाई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल फ्रीडम के बीच में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, वो भी बोलता है कि भाई मैंडेटरी अनिवार्य रूप से हॉलीडे डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट हो जाएगा हमारी डेमोक्रेसी के प्रशासन के लिए। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यदि मुझे पोलिंग बूथ तक जाना है, इसके लिए एम्प्लॉय को एक दिन का ऑफ दे दिया जाता है, तो ये एक प्रैक्टिकल मींस, प्रैक्टिकल साधन माना जाता है कि सरकार संविधान के हिसाब से काम कर रही है। कुछ और भी ग्रुप हैं जैसे कि ब्रॉडर सोसाइटियल गोल्स इंक्लूडिंग फैसिलिटेटिंग वोटर पार्टिसिपेशन, तो कुछ ग्रुप हैं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सोसाइटियल गोल रखे हैं, हमारे सामाजिक गोल रखे हैं, उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं। साथ ही साथ बोलते हैं कि भाई वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे कि फिक्की है, एसोचैम है एंड नैसकॉम है। अब कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, जैसे कि यदि मुझे किसी को छुट्टी देना है कि नहीं देना है, ये मेरी फ्रीडम है, मेरे अंडर में काम करने वाले लोगों को मैं कल छुट्टी दूंगा और पैसे भी दूंगा, ये मेरे ऊपर है, ये मेरी फ्रीडम के ऊपर आ जाता है और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत भी काम करता है इसमें, क्योंकि सरकार के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे नियम कानून करना है, ये सारी चीज़ें फ्री मार्केट इकोनॉमी में बाजार खुद निर्धारित करता है। वहीं यदि हम डेमोक्रेसी के हिसाब से बात करें,
सिटीजन्स आर ग्रांटेड द लिबर्टी टू चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट. किसी भी लोकतंत्र में ये सिटीजन के ऊपर है कि भाई मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूँगा कि नहीं करूँगा. तीसरी नंबर की बात यह है कि कंपनी का जो मालिक है ये उसके विवेक के ऊपर है कि वो अवकाश देगा कि नहीं देगा, ये उसके ऊपर हो जाता है. अब यदि हम कह देते हैं कि भाई आप छुट्टी भी दो पैसे भी दो, इससे उनकी ऑटोनॉमी प्रभावित होती है, ठीक है, उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, स्पेशली जो लोग छोटे मोटे बिजनेस में लगे हुए हैं और उनके पास रुपए पैसे की कमी है. लेकिन यदि बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करें तो उनके लिए ये बेहतर है, लेकिन गरीब कंट्री के लिए ये बेहतर नहीं है. US में भी इलेक्शन डे को इस प्रकार से डिज़ाइन नहीं किया गया है एज ए नेशनल हॉलीडे के तौर पर, ये सीधे सीधे उस इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है, कि वो अपने वोट को कास्ट करेगा उसके हिसाब से. लेकिन कुछ कुछ जो स्टेट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं पेड हॉलीडे के तौर पर वोट डे को, एंड ये पूरे अमेरिका में लागू नहीं है. अब आगे बात करते हैं कि इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है. पहले नंबर की बात यह है कंपनी को आप फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए, ये उसके ऊपर है कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है. इसके अलावा कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन आपको लेकर के आने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको इनकरेज करना चाहिए वोटर के पार्टिसिपेशन को विथाउट अनड्यूली बर्डनिंग एम्प्लॉयर. कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने जाएं, उन तरीकों को आप खोजिए. टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस की भी ज़रूरत रहेगी कुछ समय में फ्यूचर के हिसाब से, ताकि हम लोग वोट डाल सकें. दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ चल रही है, पुरकायस्थ को अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा. अब देखिए आज के समय में बड़े बड़े नेशनल लेवल पर जो कानून बनाए गए हैं ना, जैसे UAPA कानून हो, देशद्रोह का कानून हो, इन कानूनों का इस्तेमाल आज के समय में मिसयूज़ के तौर पर किया जा रहा है. इसी प्रकार का मिसयूज़ की एक घटना हमको देखने को मिली है कि जो पुरकायस्थ है उनको जो अरेस्ट किया गया था, इनका जो अरेस्ट है वो इनवैलिड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है. क्योंकि सही सबूत ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, बस केवल आवाज़ को दबाने के लिए, वॉइस को दबाने के लिए, ठीक है, सरकार के दबाव में आकर के क्या करते हैं ये लोग, जेल में डाल देते हैं. पड़े रहने दो, जेल में सड़ने दो, अपने आप आदमी ठीक हो जाएगा. इस प्रकार का काम किया जाता है इन कानूनों के माध्यम से. सबसे पहले UAPA के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं. UAPA कानून को पास किया गया था 1967 में, ठीक है. इट एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया. अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जिनका संबंध है इंडिया से, हो सकता है ये टेररिस्ट गतिविधियों को अंजाम देने वाले हैं, उसके पहले इन लोगों को प्रिवेंशन के तौर पर गिरफ्तार कर लेते हैं. अनलॉफुल एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती हैं? अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी प्रकार का एक्शन जो कि इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है, कोई संगठन कर रहा है, जिससे डिसरप्ट होती है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरनिटी ऑफ इंडिया. परिभाषा इतनी कठिन है कि इसमें कोई भी काम को शामिल किया जा सकता है इस कानून के दायरे में, और किसी भी काम को इससे बाहर किया जा सकता है, इसलिए इसका मिसयूज़ होता है. तो भारत की एकता और अखंडता, भारत की सार्वभौमिकता को यदि कोई काम प्रभावित कर रहा है तो आपके ऊपर UAPA का कानून लगाया जा सकता है. इस कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार को कुछ पावर मिली है कि भाई वो खुद ही तय करेगा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं. बाय वे ऑफ एन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर इट सो, ऑफिशियल गजट के माध्यम से ये निर्धारित करता है, बता देता है. इसके अंतर्गत डेथ की पेनाल्टी हो सकती है या फिर उम्र कैद की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको बोला जा रहा है, एज ए हाईएस्ट पनिशमेंट के तौर पर दिया जा सकता है. दूसरी बात यह है UAPA कानून के अंतर्गत भारतीय नागरिक एंड फॉरेन नेशनल्स, इनके ऊपर भी ये चार्ज लगाया जा सकता है.
एंड बोला जा रहा है कि ये एप्लीकेबल रहता है उन अफेंडर्स के ऊपर भी, ठीक है, उसी प्रकार से उनके ऊपर भी लगेगा यदि कोई भी जो क्राइम है वो कमिटेड किया जा रहा है ऑन ए फॉरेन लैंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब भारत के बाहर रहकर भारत की एकता अखंडता को यदि कोई प्रभावित करेगा तो उसके ऊपर भी यूएपीए कानून लगाया जा सकता है, ऐसे इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। यूएपीए कानून के अंतर्गत बोला जा रहा है जो इन्वेस्टिगेटिंग करने वाली एजेंसीज रहती हैं वो एक चार्जशीट फाइल करती हैं मैक्सिमम 180 दिन के भीतर में। यदि किसी को आज अरेस्ट करे हैं तो आपको 180 दिन का टाइम है कि आप चार्जशीट फाइल करिए, एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटिमिडेटिंग द कोर्ट। और अगर यदि आपको बढ़ाना है तो कोर्ट की आप अनुमति ले लीजिए, बोल दीजिए सर अभी हम कागज़ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें और समय दीजिए। तो 180 दिन की लिमिट है। 2004 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे एंड इसमें टेररिस्ट एक्ट शब्द जोड़ा गया था। इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं टू बैन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी, यदि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन भी किया जा सकता है, ठीक है। एंड अभी तक देखा जाए तो 34 आउटफिट अभी तक बैन किए जा सकते हैं। 2004 तक देखा जाए अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब था किसी भी काम से रिलेटेड टू द सेक्सेशन एंड सेशन ऑफ टेरिटोरी, कुल मिलाकर के देश में ही ये चीज़ हो रही थी। जैसे ही 2019 में इसमें संशोधन किया गया था तो इसमें भी कुछ कुछ अमेंडमेंट हमको देखने को मिले थे, जैसे कि इस एक्ट के अंतर्गत पावर दे दी गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि ये ग्रांट करेगा अप्रूवल, मतलब किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना है कि नहीं करना है तो यही साइन करेगा। सेकेंड नंबर की बात ये है ये पावर देता है एनआईए के ऑफिसर्स को, ठीक है, या फिर जिसकी रैंक है इंस्पेक्टर के लेवल की या फिर उससे ऊपर, कि वो टेररिज्म से जुड़े केस का इन्वेस्टिगेशन करेगा इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय द डीएसपी और एसीपी और अबव रैंक ऑफिसर इन द स्टेट। आगे चर्चा करने वाले हम स्लोवाकिया कंट्री से रिलेटेड। हाल फिलहाल में देखा जाए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया गया है, कई राउंड की गोलियां मारी गई हैं, एक प्रकार से जानलेवा हमला किया गया है। स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्रीज है जो कि 3-4 देशों के साथ में घिरा हुआ है, जैसे कि उत्तर में पोलैंड, ठीक है, चेक रिपब्लिक है, यूक्रेन है, वहीं यदि हम साउथ की तरफ में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, बुधवार को इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, ठीक है, एंड यहाँ के जो यूरोपीय नेता हैं उन्होंने इस हत्या के प्रयास की निंदा करी है जिसमें उनको कई बार गोली मारी गई थी। तो एक न्यूज़पेपर है जिसमें बोला गया है कि केंद्रीय शहर हैंडलोवा में उसके रिपोर्टर ने कई सारी गोलियां चलने की आवाज़ सुनी और फिर सुरक्षा गार्डों को प्रधानमंत्री को ज़मीन से उठाकर कार में ले जाने के लिए दौड़ते हुए देखा था। इसके बाद जिसने भी हमला किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई अभी तक तो हम ऐसे देखे थे उनसे लोग खुश नहीं हैं, उनकी पॉलिसीज से खुश नहीं हैं, ठीक है, कभी कभी क्या है जातिवाद धर्म ये सारी चीज़ों के हिसाब से भी लोग उनकी हत्या कर देते हैं। अगली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं ये न्यूज़ हमारी गिरफ्तारी के अधिकार को लेकर के है। किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जा रहा है तो पुलिस को लिखित में बताना पड़ेगा कि उसने आपको गिरफ्तार क्यों किया है। कभी भी पुलिस इस चीज़ से हमेशा बचने की कोशिश करती है क्योंकि आपको वो बोलेगी कुछ और कि मैं आपको इसलिए गिरफ्तार कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे रीज़न कुछ और रहता है, अदालत में कुछ और बोल देगी, कुल मिलाकर के आपको गिरफ्तार भी कर लेगी, आपको जेल में भी रखेगी, आपको कुल मिलाकर के परेशान करेगी।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि जब भी कोई जांच एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो ये उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि आप उसको रिटर्न कॉपी दीजिए इन्फॉर्मेशन की कि आपने जो है किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया है। पार्टिकुलरली ये न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में UAPA के अंतर्गत आई थी कि भाई UAPA के अंतर्गत किसी को गिरफ़्तार किया है और आपने उसको बताया ही नहीं है कि क्यों गिरफ़्तार किया है, रीज़न क्या है, लिखित में दीजिए ताकि वो व्यक्ति वकील कर सके, अपनी जमानत मांग सके, इस प्रकार से एक दो चीज़ों का लाभ उसको मिल पाएगा। इसलिए FIR की कापी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए यदि हम बात करें पर्पस की, ठीक है कि भाई आप इन्फॉर्म क्यों करना चाह रहे हैं अरेस्टेड पर्सन को, वो ये है कि भाई इससे उसके जो अधिकार हैं, इससे उसके एक और जो फ़ायदा मिल सकता है अरेस्टेड व्यक्ति का, वो ये है कि उसके जो फंडामेंटल राइट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 22(1) में दिए हैं, आर्टिकल 22(1) अनुच्छेद 22(1) में इस चीज़ का वर्णन है, ठीक है कि आप जो है उसको उसके फंडामेंटल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते, ये चीज़ भी सेफ हो जाएगी, वो अपना वकील भी कर लेगा, जमानत पाने का भी हकदार हो पाएगा, ठीक है, बेल के लिए भी वो कहना चाहिए आवेदन कर पाएगा। ये मामला अभी हाल फिलहाल में उठा है प्रबीर पुरकायस्थ केस जजमेंट वाले मुद्दे के ऊपर। जस्टिस मेहता की बात करें, ठीक है, जिन्होंने इस जजमेंट को दिया है उनका कहना है हमने किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया है लैंग्वेज में, सेक्शन 19(1) में और PMLA में, ठीक है, मतलब PMLA का जो 19(1) सेंक्शन है उसकी लैंग्वेज, UAPA का सेक्शन नंबर 19(1) एंड 43(B)(1) दोनों की लैंग्वेज में हमें कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि ये दोनों प्रोविज़न डील करते हैं पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड, लेकिन चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पर क्लियर नहीं दी गई, इसलिए इसमें क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। आगे हम चर्चा करने वाले हैं सोल्डर फायर्ड इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हमारी आर्मी अब रिसीव करने वाली है नेक्स्ट बैच ऑफ सोल्डर फायर इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम हम किससे खरीद रहे हैं? रसिया से खरीद रहे हैं। रशियन इगला एस ये एक वेरी शॉर्ट रेंज की डिफेंस सिस्टम मानी जाती है, शॉर्टकट में इसको VSHORAD बोला जाता है, मतलब मई के अंत तक या फिर आने वाले महीने तक हमको ये बैच मिलने वाला है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इसकी जो खरीदी बिक्री है इसमें थोड़ी सी डिले हो रही थी, यहाँ पर मेन चीज़ रहा था मतलब पेमेंट से रिलेटेड इशू था, कंफर्मेशन जैसे ही हो जाएगा तो इसका जो बैच है वो बहुत जल्दी आने वाला है। इगला एस सिस्टम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पिछले साल किया गया था, ठीक है, द फोर्थ ट्रेंच ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत। हम किस सिस्टम के अंतर्गत लिए हैं? इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंतर्गत ये खरीदी कर रहे हैं एंड इसको असेंबल किया जाएगा अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा इंडिया में, और ये काम होने वाला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाली है रोसो बोर्नो नेक्सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल सोर्सेज से हमको पता चला है। आर्मी अभी जो है रिसीव करेगी 2 इजरायली हरमेस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस अनमैंड एरियल व्हीकल्स को, इसको असेंबल किया जाएगा ADSTL के द्वारा हैदराबाद में अगले महीने में। ADSTL मतलब अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको असेंबल किया जाना है। पिछले साल क्या हुआ था, आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 48 इग्लास लॉन्चर का, 100 मिसाइल का, 48 नाइट साइट का एंड 1 मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन का, टोटल कीमत है 260 करोड़ रुपए का।